25 मई को मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा करसोग वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मैदान में 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, जिसमें पहले ही दिन सतपाल जी महाराज के पुण्य प्रवचन से लोग आनंदित हो उठे। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से आयोजन में रौनक लगी हुई है। चलिए देखते हैं सतपाल जी महाराज ने अपने प्रवचनों में क्या कहा। अनुभवी इंजीनियर को बुलाया गया कि भाई इसको आप ठीक करो। उसने देखा, देख करके सीधे वो बॉयलर रूम में गया तो देखा उसका टर्बाइन नहीं घूम रहा है, सिलेंडर उसका फंसा हुआ है। उसने अपने औजार निकाले, कुछ ठीक ठाक किया और जहां फंसा हुआ था वहां जोर से हथौड़ा मारा तो वो रिलीज हो गया, घूमने लगा। तो जहाज के मालिकों ने कहा, जी आपका बिल क्या है? उसने कहा 10 लाख रुपए। बोला आपने मारा तो एक ही हथौड़ा, 10 लाख रुपए? उसने कहा 10 लाख इस बात के है कि हथौड़ा कहां मारना है वो मुझे पता था, मैंने सारे जहाज में हथौड़े नहीं मारे। ऐसे ही ज्ञान होता है जहां उसको करेक्ट करना होता है, क्योंकि वाईफाई तो सब जगह है, भगवान तो वाईफाई की तरह सब जगह है। आपको उसका पासवर्ड चाहिए, वो पासवर्ड प्रभु का नाम है। तो नाम प्रभाव जान गण राऊ प्रथम पूजित नाम प्रभाव, इसलिए नाम की बड़ी बड़ी महिमा गाई गई। और यहां तक कहा, कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आई कि भगवान राम बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है, तो इसके बारे में कैबर देश का एक राजा था जिसका नाम सुकंत था। तो उसने कहीं सत्संग हो रहा था तो सत्संग में जाने लगा सत्संग सुनने के लिए, तो रास्ते में उसको नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, सुकृत कहां जा रहे हो? राजा सुकृत ने प्रणाम किया, कहा महाराज सुमेरु पर्वत पर सत्संग हो रहा है, संत महात्माओं की गोष्ठी हो रही है, मैं चाहता हूं कि वहां जाकर के कुछ अमृत पान करूं, कुछ ज्ञान प्राप्त करूं। ने कहा जाओ जाओ, सत्संग में जाना चाहिए। और राजा जो था वो चल पड़ा तो महाराज जी ने फिर बुलाया उसको, किधर जाओ जरा देखो वहां जितने भी साधु संत हैं सबको प्रणाम करना। उसने कहा महाराज जी तो आपने हमेशा ही शिक्षा दी है और मैं सबको प्रणाम करूंगा, बहुत अच्छी बात। अर्थ प्रकाश के लिए मंडी करसोग से प्यारे लाल शर्मा की रिपोर्ट। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।